खड़ा कर क्या बोलेगा, बोला बोलता अब क्या बोलेगा। तो बैंडेड क्रेट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा इसका है। इसको कुछ दीजिए, इसको बोरा में कुछ पैक करने के लिए। बाहर ले चलिए ना, बाहर कीजिए। कहाँ बाहर ले जाएगा, यहाँ कर लेता है, कहाँ लेके जाएगा इसको? रास्ते में लेके जाने से कोई दिक्कत हो जाए तो बेहतर है कोबरा से छेड़ना ज्यादा जहरीला है, कोबरा से ज्यादा ज्यादा जहरीला है। तो इसका पसंदीदा खाना है दूसरे सबको खा लेता है, सब खा लेता है। तो सामान सामान सबको खाला लगा, ये खा लेता है, पसंदीदा खाना है दूसरे सब। जहरीला होता है, अंदर कुछ कैश हो चुका है। तो ये जो रेस्क्यू है, तो ये जगह कौन सा? रंगापारा वार्ड नंबर एक, रंगापारा वार्ड नंबर वन, डिस्ट्रिक्ट शनितपुर असम। तो हम लोग का यहाँ नामघर है, नामघर का जो साइड से बाई लेन आया है उसी में रेस्क्यू हुआ है। तो और एक है बोल रहा है, तो थोड़ा छानबीन करना पड़ेगा, सारे दिखा रहे देख लेते हैं, मिलना मुश्किल है शायद। नहीं नहीं अभी भी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बैंडेड केट है, तो जहरीला चीज़ है, तो बहुत जहरीला था इसमें। तो ये अंकल के घर में घुसा था, तो जैसे तो जो बाथरूम था, बाथरूम का साइड में था, तो यूज मतलब जो एरिया में था वो यूजिंग एरिया था। तो अंकल आपका नाम? राम बदन शाह। तो इनका नाम राम बदन शाह है, तो इनका घर में घुसा था। अंकल जी ने कॉल किया था, कॉल किया था तो मैंने रेस्क्यू कर लिया। तो इस जैसे जहरीला है लेकिन इसका भी ज़रूरत है, ह्यूमन पॉपुलेट एरिया में रहना थोड़ा खतरा का खतरा हो सकता है, लेकिन इनको बचाइए, तो इनको बचाना ज़रूरी है। तो जितना भी जहरीला हो, सांप सांप सांपों का रहना जरूरी है। अब सांप को मरते मरते अभी कोरोना, हम लोग कोरोना जैसा बीमारी हम लोग को तो पहुंच चुका है, अगर ऐसे भी और मरते रहे तो और ना जाने कितना सारा बीमारी आ जाएगा। तो इन लोगों को बचाइए, तो नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए, नेचर का साथ तालमेल बना के चलिए, नेचर को कोई मतलब डैमेज मत कीजिए, ये नेचर का पार्ट है। तो इसे इसको डैमेज पहुँच, ये इसको कोई चोट लगेगा तो नेचर को चोट लगेगा। तो नेचर को बचाइए, नेचर बचेगा तो हम लोग बचेंगे। तो अंकल जी से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, अंकल जी ने मुझे कॉल किया, मैंने आके रेस्क्यू कर लिया। दूसरा कोई आता तो मार डालता शायद, ये झमेला है छोरों मार डालता, एक जाएगा तो क्या हो गया, ऐसा हो सकता था। तो अंकल जी ने मारा नहीं है, मैंने आके रेस्क्यू कर लिया, इसलिए शुक्रिया अंकल जी को, थैंक यू। तो ये जो साहब है, एक कल रात को रेस्क्यू कर रहा, तो कल रात को तो फॉरेस्ट ऑफिसर का हैंड ओवर नहीं कर सका, तो आज सुबह कर रहा है। तो अभी सरपंच फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो लेके फॉरेस्ट में छेड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जा रहा है फॉरेस्ट में।